यूपी में गाजियाबाद और नोएडा समेत दिल्ली में सीबीआई अफसरों के घर जब सीबीआई टीम अचानक पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। सीबीआई की ये टीम सीबीआई के ही अधिकारियों के घरों पर छापामारी करने गई थी। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने इन अफसरों के घरों पर छापेमारी की। गाजियाबाद में सीबीआई के बड़े अधिकारी के घर छापे की खबर सबसे पहले आई। सूत्रों की माने तो गाजियाबाद में पूर्व अधिकारी के फ्लैट को चारों तरफ से घेर कर सीबीआई ने तलाशी ली। इसके साथ ही दिल्ली और नोएडा में भी सीबीआई के दूसरे अफसरों के घर सीबीआई ने ही छापेमारी की। सीबीआई की एक टीम गाजियाबाद के शिवालिक टावर के फ्लैट नंबर 402 में पहुंची। बताया जा रहा है कि बिना किसी को भनक लगे टीम सुबह सुबह करीब 8:30 बजे शिवालिक टावर पहुंच गई। टीम में तकरीबन 12 लोग शामिल थे। टीम के सदस्यों ने फ्लैट के बाहर से लेकर अंदर तक सब तरफ लामबंदी कर दी। छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद लगभग 1:30 बजे टीम यहां से निकल गई। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपने ही अधिकारियों के घरों पर ये छापेमारी बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में की है। दरअसल सीबीआई ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करने की आरोपी कंपनियों की मदद करने के लिए अपने ही कई अधिकारियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए और आज सुबह इसे लेकर एक तलाशी अभियान चलाया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीबीआई के अधिकारी बैंकों से धोखाधड़ी करने की आरोपी कंपनियों से कथित रूप से रिश्वत लेने को लेकर जांच के दायरे में हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिन अधिकारियों के घर पे छापेमारी हुई है उन पर ये आरोप है कि वो लोग उन कंपनियों से रिश्वत ले रहे थे जिनकी वो जांच कर रहे हैं। बताया गया है कि कम से कम 5 अधिकारियों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि आरोपी अधिकारी इन कंपनियों से कथित रूप से नियमित भुगतान ले रहे थे।